सर मैं नवी गल कर रहा लहरे गागे तो जी जी एस स्कूल जलूर तो मैं हमदर्दी असी सारे लोगों हमदर्दी महसूस करते हैं भी हाँ वो कैजुअलिटीज़ हुई ने बट गल ये है भी सरकार एक स्कूलों ही निशाना क्यों बना रही है हालांकि तुम देखे ही है जी रेस्टोरेंट हो गए अहाते हो गए शराब के वो दिन प्रता सारिया खुले रेंदे है तो असं सरकार सवाल करते हैं सवाल करते हाँ भी स्कूलों पर निशाना क्यों साध्या जा रहा है हालांकि पिछले दिन ही सीएम साहब ने यह गल बयान किया है कि करोना जोड़ा है पीक तो हैगा तो स्कूलों ही क्यों रोकया जा रहा फिर जो पीक तो करोना हैगा तो वो सारे जोड़े अपने कम कमरशियल जोड़े है सारे अपने जोड़े है वो बंद किए जा तुरंत अगले हुक्म तक बंद कर दिया गया फिर अगला एक्शन की देखो जी अज का जोड़ा धरना है साडा वह साढ़ा एक घंटे का है असं वो जारी रख के उस तो बाद साड़ी कमेटी की सारी की मीटिंग होंगी है उस तो बाद जो भी कोई नतीजा लिता जाऊगा तो तुहाडे तक जरूर पहुँचता किया जाऊगा सर सरकार दी गलत नीतियां के कारण ही असी स्कूल बंद करन दे खिलाफ जिहड़ा है अध्यापक साडे ड्राइवर कंडक्टर असी आईटीआई चौंक दे विच जिहड़ा है अज जाम लगा दिता है अते इह जाम साडा जारी रहेगा कुछ समय तक सर करोना एक ड्रामा है असली हो निशाना है क्योंकि करोना की आड़ लैके सरकार ये चाहती है कि जिहड़े बच्चे सरकारी स्कूलों के चले गए प्राइवेट स्कूलों के वो कितने वापस इन्हां दाखलों के दिनों में वापस प्राइवेट स्कूलों वाल ना मुड़न इस कारण साडे मानयोग सिक्ख्या मंत्री एक साडे सिक्ख्या सकत्तर साहब जो हर वेले सरकारी स्कूलों की वो गल करते हैं साडे प्राइवेट स्कूलों का सिक्ख्या सकत्तर ही इसका अड लगाउण की मांग करते हैं जगजीत सिंह जी प्रेजिडेंट फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल ये अज पंजाब के 22 के 22 जिलों में पेरेंट्स के कुछ नुमाइंदे आए हैं तो टीचर्स के नुमाइंदे आए हैं तो ड्राइवर कंडक्टर आए हैं क्योंकि पिछला सारा साल जिहड़ा हैगा सारे ने संताप भोगिया लॉकडाउन के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर नहीं सी हो सकी तो बहुत सारे जिहड़े मुलाजम से बेरोजगार हो गए थे उन्हें तनखाह अफेक्टड हुई तो पिछले हुण 2 महीने स्कूल लगे से सारा कुछ लीहां ते पहुँच चुकिया सीगा लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रैपरेटरी होलीडेज के नाँ के उत्ते पंजाब सरकार ने जिहड़ियां छुट्टियां कर दित्तियां सीगियां तो अज उह छुट्टियां समाप्त हो रही ने असी 24 तरीक तो यह अपील शुरू की सी 24 तरीक नूं पंजाब दे विच सारे अध्यापकों ने लिखती तौर के उत्ते मंग पत्र से जिहड़ा उह मानयोग मुख्यमंत्री ते एजुकेशन मिनिस्टर नूं मेल किए सीगे सारे पंजाब दे अध्यापकों ने ते 25 तरीक नूं पंजाब दे सारे जिहड़े हैगे सी मुलाजम ट्रांसपोर्ट नाल संबंधित दर्जा 4 कर्मचारी उन्होंने मेल किया सीगा 27 तरीक नूं पंजाब दे सारे पेरेंट्स जिहड़े ने उन्होंने भी इस तरह नाल आपदा जिहड़ा शांतमय तरीके नाल पत्र लिख के मानयोग मुख्यमंत्री सिक्ख्या मंत्री नूं अपील की सीगी ते कल पंजाब दे सारे विद्यार्थियों ने निजी तौर पर मुख्यमंत्री साहब नूं मेल कीतियां ते अज पंजाब दे सारे जिलों के 10-10 नुमाइंदे प्रतिनिधित्व करते हुए शांतमई तरीके दे नाल असी सारे मानयोग डिप्टी कमिश्नर्स नूं मैमोरेंडम दे रहे हैं भी स्कूल इस तरह ही खुले रखे जाण ते नाल ही साडा कहना यह है भी जिहड़े विद्यार्थी ने परमात्मा की कृपा नाल इन्हां दी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है पूरे देश दे विच विदेशां दे विच किसे विद्यार्थी का नुकसान नहीं होया ते ना असीं चाहुंदे वी होवे और असीं बड़े जिम्मेवारी नाल इह गल कह रहे हां भी जिहड़े विद्यार्थी ने उह स्कूलां विच सुरक्षित ने क्योंकि अध्यापक ने जिहड़े उन्हां नूं डिसिप्लिन दे विच रखदे ने उन्हां नूं वार-वार हत्थ धोंदे ने सैनिटाइज़ कराउंदे ने तो इस तरह बच्चे ने जिहड़े स्कूलों में वध सुरक्षित ने जेकर घर इस तरह ही बच्चे बैठे रहे तो वह गेम्स खेडते खेडते टीवी ना खेडते हुए मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं फैसला लिया की कारण हो सकता है पिछले देखो जी जो सानू कारण समझ आ रहा भी पिछले साल पढ़ाई हो नहीं सकी सही ढंग के नाल लेकिन कितना कितने यह गल जी सिक्ख्या खेत्र मनी जाती है भी शायद सरकारी स्कूलों के जोड़ा है वह विद्यार्थियों पेपर लाए बिना जिम्मे हम इन्होंने प्रमोट कर दिता कुछ ना कुछ जोड़े अंदरूनी कारण ने जिन्हां दे करके जिहड़ा इह हफ्ते क दा लॉकडाउन किया गया ते नाल ही सरकार दा कहना इह सीगा वी जिहड़े विद्यार्थी ने उह घरां विच रह के मानसिक तौर ते स्ट्रोंग हो के पेपर देण तो इस गल दा एक्सक्यूज़ लिया गया सीगा मानयोग सिक्ख्या मंत्री जी वल्लों सिक्ख्या मंत्री वल्लों करोना दा हवाला दे के स्कूल तां बंद कर दित्ते गए ने पर इही सिक्ख्या मंत्री ने जिहड़े पिंडां दे विच जा के शहरां दे विच वड्डे वड्डे रैलियां कर रहे ने प्रोग्राम कर रहे ने कि जिहड़े उत्थे लोग इकट्ठे हो रहे ने उह उहनां दे बच्चे नहीं हैगे जां जिहड़े स्कूलां दे विच बच्चे पढ़दे ने उन्हां दे पेरेंट्स नहीं और रैलियां दे विच पहुंचदे होणगे देखो इसे गल नूं जिहड़ा इस टाइम पेरेंट्स बाहर आए ने सड़कां दे उत्ते उहदा कारण इही है क्योंकि पंजाब दे विच लगभग 70% आबादी जिहड़ी खेतीबाड़ी नाल संबंधित है अते हरेक बच्चे दे माता पिता दे विचों इक नुमाइंदा बार्डरां दे उत्ते बैठा जेकर सरकार इन्नी गंभीर है इस दे संबंधी तां पहलां उह जिहड़े उहनां दा मसला हल करके उह घरां विच पहुंचण जदों उह
बच्चे ने जिहड़े उह हर रोज़ संपर्क दे विच ने, फंक्शनां ते जा रहे ने, रैलियां ते जा रहे ने, तां इही साडा कहना वी कल्ले स्कूल बंद करन नाल जिहड़ा करोना किवें रुक सकदा जी। सो इह साडी बेनती है वी करोना नाल हुण सानूं रल के लड़ना पऊगा, सावधानियां वरतनियां पैणगियां, परंतु बंद करना इहदा हल नहीं हैगा। और वैसे भी बच्चों को वैक्सीनेशन तो कोई हो नहीं रही। जेकर डी साहब मंग पत्र देना है, जेकर हाले भी थोड़ी मंग है जी नहीं मनी जाते, स्कूल नहीं खोले जाते, फिर अलग प्रोटेस्ट की अगला जी। पंजाब की साड़ी जी एसोसीएशन है, फैडरेशन है, ये 17 एसोसीएशन ने, ये लगभग 9000 स्कूल ने। फिर असी आपकी जी डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटीज़ ने उन्होंने मीटिंग करके तो हो सकता फिर सानू किसानों वांगू पक्के तौर पर सड़कों पर बैठना पैजे। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।